मोक्ष तो एक है, साधन अनेक कैसे? तो मोक्ष का साक्षात साधन तो ज्ञान ही है। तो हमने कहा कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति के लिए तत्व ज्ञान अपेक्षित है, बाकी जो भक्ति परक मोक्ष हैं उनके कई प्रभेद हैं। सायुज्य मोक्ष, सामीप्य मोक्ष, सारूप्य मोक्ष, सालोक्य मोक्ष, सारष्टि मोक्ष। सायुज्य मोक्ष भक्ति प्रस्थान में सबसे अंतरंग है। सायुज्य मोक्ष का अर्थ होता है भगवत भावापत्ति, सगुण साकार भगवान में पूरी अष्टक सहित जीव कला की क्या है सन्निधि। शिशुपाल का तेज पूरी अष्टक सहित जीव कला उसकी भगवान में प्रविष्ट हो गई, भगवत भावापन्न हो गई। भगवान के अतिरिक्त भक्त दिखाई न पड़े, भगवत भावापन्न होकर ही सायुज्य को प्राप्त कर ले, यही सायुज्य मोक्ष है। भगवत भावापन्न होकर शेष रह जाए, सबसे अंतरंग मोक्ष है भक्ति प्रस्थान में सायुज्य। सायुज्य मोक्ष को जो प्राप्त जीव होते हैं भगवान ही संकल्प करें तो उनको पुनर्भव हो सकता है। लीला परिकर के रूप में भगवान की लीला में सहभागिता का परिचय देने के लिए जन्म ले सकते हैं, अन्यथा नहीं। सायुज्य मोक्ष को प्राप्त जो भगवान के परिकर होते हैं भगवान ही कदाचित संकल्प करें कि मुझसे एक ही भूत सायुज्य मोक्ष को प्राप्त अमुक जीव मेरी लीला में सहभागिता का परिचय दे, पृथक से नाम रूप उसे दे सकते हैं, अन्यथा कोई देवी देवता सायुज्य मोक्ष को प्राप्त जो भगवत भक्त हैं उनको पृथक से अभिव्यक्त करने में समर्थ नहीं। कैवल्य मोक्ष तो तत्व ज्ञान से ही होगा, रीते ज्ञान अन्न मुक्ति ज्ञानादेव तो कैवल्यम।